नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको महाभारत के अनकहे किस्सों की रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी है महाभारत के सबसे चतुर चरित्रों में से एक शकुनी मामा और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक अनोखे खेल की। महाभारत का हर पात्र अपने आप में अनोखा है और उन्हीं में से एक है शकुनी मामा। वे कौरवों के मामा और धृतराष्ट्र के साले थे। शकुनी अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाने जाते थे। उन्हें यह कला बखूबी आती थी कि कैसे किसी को अपने चालों में फंसाया जाए। एक बार की बात है, शकुनी ने एक ऐसा ही खेल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने की सोची। वह जानते थे कि श्री कृष्ण बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हैं, लेकिन शकुनी ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। लेकिन श्री कृष्ण कौन थे? वो तो स्वयं भगवान थे, योगेश्वर और सभी चालों के ज्ञाता। उन्हें शकुनी की योजना का पहले से ही आभास था। शकुनी ने श्री कृष्ण को एक खेल खेलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, हे कृष्णा, आओ हम दोनों पासों का खेल खेले। जो भी जीतेगा वो अपनी सारी इच्छा पूरी करवा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए शकुनी की बात मानी और खेल शुरू हुआ। शकुनी ने अपने जादुई पासे का इस्तेमाल करते हुए खेल की शुरुआत की, लेकिन वे क्या, पासे तो वही परिणाम दिखा रहे थे जो श्री कृष्ण चाहते थे। शकुनी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार श्री कृष्ण जीतते गए। अंत में शकुनी समझ गए कि श्री कृष्ण के साथ चालाकी नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, शकुनी, इस ब्रह्मांड में हर किसी की एक सीमा होती है। तुम्हारी चालाकी तुम्हें सीमित कर सकती है, लेकिन सच्चाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, सत्य और धर्म के आगे उसकी चालें नहीं चलती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल हिंदुइज्म को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।